हेलो एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास की वजह है मेरे एक स्टूडेंट द्वारा मुझसे पूछा गया एक क्वेश्चन। वहीं से मैं इंस्पायर हुआ, मेरी इंस्पिरेशन था वो क्वेश्चन, जिसने मुझे इंस्पायर किया कि मैं ये वीडियो आप सबके लिए बनाऊं, क्योंकि वो क्वेश्चन, वो क्वेरी मुझे लगता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की हो सकती है। तो वो क्वेरी क्या थी, ये अभी आपको एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट शेयर करता हूं। स्टूडेंट्स, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कंजंक्शन, आई होप वो आपने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देते हैं। कंजंक्शन होते क्या है? कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड को दूसरे वर्ड से या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को दूसरे ग्रुप ऑफ वर्ड्स से ज्वाइन करते हैं, लिंक करते हैं, कनेक्ट करते हैं। ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को, ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। इसलिए कंजंक्शंस को हम ज्वाइनर्स भी कहते हैं, लिंकर्स भी कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं, राइट? अब यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन कंजंक्शंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है बिकॉज। आपने भी अपने सेंटेंस के अंदर कभी ना कभी बिकॉज का यूज किया होगा। बिकॉज कंजंक्शन हम तब यूज करते हैं जब अपने स्टेटमेंट के अंदर हम कोई रीजन मेंशन करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, आई वॉज लेट यस्टरडे बिकॉज माई बस वॉज नॉट ऑन टाइम। मैं कल लेट था क्योंकि मेरी बस टाइम पर नहीं थी। तो ऐसे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप क्या यूज करते हो? कंजंक्शन बिकॉज, राइट? तो वो जो क्वेरी थी मेरे स्टूडेंट की वो ये थी कि सर, मोस्टली सेंटेंसेज हम या तो नाउन से स्टार्ट करते हैं या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव प्रोनाउन से। क्या यह पॉसिबल है कि हम बिकॉज से सेंटेंस ओपन कर पाए? क्या बिकॉज हमारे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड हो सकता है? आपकी क्या ओपिनियन है? व्हाट डू यू थिंक? मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लर्नर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हैं। तो मेरा ऑफिशियल आंसर है यस, इट इज पॉसिबल। आप बिकॉज से सेंटेंस ओपन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें सेंटेंस की प्राइमरी डेफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक कंप्लीट आइडिया, एक थॉट कन्वे करता है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये कंडीशन पूरी हो रही है, तो आपका सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट हो सकता है और वो ग्रामेटिकली राइट हो सकता है। लेकिन मोस्टली फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इस तरह के स्टेटमेंट्स को प्रेफर नहीं किया जाता है, लेकिन वो रॉन्ग नहीं होते हैं, ऐसा हो सकता है। सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट हो सकता है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। बिकॉज ऑफ ए हैवी स्टॉर्म माय इंटरनेट वेंट डाउन। हैवी स्टॉर्म की वजह से मेरा इंटरनेट क्या हो गया? स्लो हो गया। बिकॉज आई वॉज हैप्पी आई स्माइल्ड, क्योंकि मैं खुश था इसलिए मैं मुस्कुराया। बिकॉज शी वॉज इल, क्योंकि वो बीमार थी, सी कुड नॉट जॉइन द क्लास। बिकॉज सी लाइक्स कुकिंग, सी नॉर्मली ईट्स एट होम। तो इन सेंटेंसेस में आपने देखा हमने सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे की है? बिकॉज से, राइट? लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप इन सेंटेंसेस को इस तरीके से देते हैं, बिकॉज आई वॉज हैप्पी, तो ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा ऐसी कंडीशन में जब आप फॉर्मल वर्जन में। इनफॉर्मल राइटिंग के अंदर, इनफॉर्मल स्पीकिंग के अंदर कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स को, जैसे बिकॉज आई वॉज हैप्पी, बिकॉज ऑफ ए हैवी स्टॉर्म, बिकॉज माई बस वॉज लेट, ऐसे स्टेटमेंट्स को इनफॉर्मल स्पीकिंग में, इनफॉर्मल राइटिंग में, या जैसे मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहे हैं, तो वहां पर एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह डील किया जा सकता है, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश में नहीं। फॉर्मल इंग्लिश में आपको ऐसे ही लेना होगा, बिकॉज ऑफ ए हैवी स्टॉर्म माई इंटरनेट वेंट डाउन। लेकिन इनफॉर्मल वर्जन में, जैसा मैंने बताया, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप चैट में हैं, आपके फ्रेंड ने पूछा व्हाई डिड योर इंटरनेट गो डाउन, आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं बिकॉज ऑफ ए हैवी स्टॉर्म। तो यहां ये स्टेटमेंट एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह काम करेगा और ये राइट माना जा सकता है। इनफॉर्मल स्पीकिंग, इनफॉर्मल राइटिंग, जैसे कि आप अपने फ्रेंड को टेक्स्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप चैट के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह के स्टेटमेंट राइट माने जा सकते हैं। लेकिन फॉर्मल वर्जन में आपको जो उसका बी पार्ट है वो देना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ए हैवी स्टॉर्म माई इंटरनेट वेंट डाउन।
फॉर्मल वर्जन, लेकिन इनफॉर्मल में आप सिर्फ इतना भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ए हैवी स्टॉक। तो ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो आज आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंसेस बिकॉज से ओपन हो सकते हैं। ओके, मेन चीज ये है कि आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली राइट हो, उसमें एक कंप्लीट आइडिया, एक थॉट कन्वे हो रहा हो। अब अगर इस टॉपिक में आप अपने आप को थोड़ा एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं तो ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप पर्सनल स्टेटमेंट्स नहीं देंगे। थोड़ा एक्सरसाइज करिए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दीजिए जो किससे स्टार्ट हो, बिकॉज से। ओके, इफ योर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली राइट, आई विल डेफिनेटली लाइक इट, आई विल गिव माय रिएक्शन, आई विल बी बैक विद ए न्यू टॉपिक। अगर आपका कोई पर्सनल टॉपिक है ग्रामर का जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। लेकिन जब तक आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपकी बात उस तक कैसे पहुंचेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।